के बोल रहे हो सुपर हीरो पाकिस्तान जिंदाबाद। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आपके सब ठीक होंगे? जी हम लोगों का ट्रिप का फर्स्ट डे और ये इस वक्त शाम का टाइम है, तो हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए, तो चलिए हमारे साथ। विक्की सानिया कह रही है ये फायदा बारबेक्यू इवेंट का, तो एक एक चीज हमने वीडियो बना ली है सानिया ने बता दी कि ये बारबेक्यू है। वेलकम टू आरसी बर्थडे पार्टी नंबर 1। हम लोगों ने काफी इंजॉय किया था, हमने तभी डिसाइड किया था कि एक ही कार में जाएंगे सारे, तो मिलकर ज्यादा फन होगा, तो माशाल्लाह बहुत फन था और इतने प्यारे व्यूज थे और बहुत प्यारी ये जगह है, इसको जरूर आपको विजिट करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, कनाडा जिंदाबाद। तो जी हम पहुंच गए थे रेस्टोरेंट और ये रेस्टोरेंट के सामने का व्यू इतना प्यारा था ना, बहुत खूबसूरत था, और यहाँ पे हमने कार पार्क की थी और ये जहाँ कार पार्क की थी उसके सामने का ये व्यू था, तो बहुत प्यारी जगह थी। तो हम पहुंच गए रेस्टोरेंट। क्या है पीछे पूरा? मैं वैसे फर्स्ट टाइम आई हूँ चौबामुरी, विक्की आए हुए पहले। यहाँ से ना बोट चलती है और वहाँ पे ये फ्लावर पार्ट आइलैंड है, जब हमें जाना कुछ दिनों तक फ्राइडे को जाना है, वो हमें आइलैंड लेके जाते हैं और ये लोगों की सारों की बोट्स है यहाँ पे। अच्छा ये हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे। अभी तो हम यहाँ रेस्टोरेंट आए हैं जो बिल्कुल यहाँ पे नजदीक है, तो यहाँ पे जी हमने अपनी कार पार्क की है, हमारी कार खड़ी है और हम चलते हैं रेस्टोरेंट और ये फिर हम दिखाएंगे फ्राइडे को। तो हम रेस्टोरेंट पहुंच गए थे, बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट था, इतना फैंसी सा, कलरफुल सा, बीच के किनारे, इतना अच्छा लग रहा था वहां पे बैठना भी ना, और लेकिन खाना मजे का नहीं था क्योंकि यहाँ पे ना हलाल रेस्टोरेंट्स नहीं है, गोरों के ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, तो बस फिश और वेज ही हम खा के थक गए थे। लेकिन शुक्र है हम घर से बारबेक्यू वगैरह का सामान लेकर आए थे, जो कि हम रात में खुद हम बारबेक्यू वगैरह करते थे जहाँ पे हम कॉटेज पर रह रहे थे। अच्छा नहीं, क्या कह रहे हैं, चार ही बैठ सकते, चार कुर्सी, चलो साथ ही है। हाँ इतना प्यारा व्यू था और इतनी रौनक थी ना। बैठे हैं यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चार लोगों से ज्यादा बैठने नहीं दे रहे, तो यहाँ पे ये तीन बैठे हैं और यहाँ पे हम तीन बैठे हैं। हमारा को ठंड लग रही है, सर्दी है, ठीक है, आगे पीछे ये बैठे हैं, आगे हम बैठे हैं, यहाँ बैठ नहीं सकते ज्यादा, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पे, साथ में अच्छा लग रहा है ना बैठ के खाना। आई थिंक फर्स्ट टाइम हम बीच के किनारे, सॉरी पानी के किनारे डिनर करने लगे, और हमने मायरा को दूसरी टेबल पे भेज दिया, अब हम दोनों अकेले बैठ के डिनर कर रहे हैं। मायरा को हवा बहुत लग रही थी, देखो पानी के करीब बैठे हैं, तो यहाँ पे हवा दिखाओ, मायरा बिल्कुल साथ हमारे बैठे, मायरा को ठंड बहुत लग रही है, यहाँ पे हवा बहुत चल रही है, तो मैं डाउन टाउन जाना है। अच्छा नींद अब गायब हुई है खाने के बाद, हारिस को और नींद आ गई है, हारिस को और नींद आ गई है, हारिस कह रहे उसे कॉफी चाहिए, विक्की ने तो कॉफी छोड़ दी है, यहाँ आज पीनी है, नहीं फिर से ना वो आदत हो जाए, कॉफी छोड़ दी, अब दोबारा नहीं लगानी, वरना तो मैं बहुत पीने लग गया। खाना हम खा चुके हैं और जो हारिस है उसको बहुत तलब हो रही है कॉफी की, और मैं कहती विक्की को शायद बहुत अच्छे से छोड़ी हुई है, शायद दिल कर रहा, लेकिन नहीं पीनी, हाँ नहीं कहती छोड़, चलो फिर चलते हैं, बस बिल पे करना, बिल पे करना, और फिर अदील कह रहा है कि वो आज सारों का बिल अदील पे करेगा, वो कह रहा है वो बहुत बहुत जेनरस फील कर रहा है, अदील इज फीलिंग टू जेनरस टुडे। ओके सानिया एंड हर्ष यू कम सिट ऑन दिस टेबल विद मी, ही इज पेइंग द बिल फॉर दैट टेबल। यो कैन वी गेट द बिल? या कैन वी गेट हर्स टू? सो सेपरेट, या Does it move in the place that's great? In the morning, you could just drive there. This is really nice. You can pop up for a special menu.
तो खाना वगैरह खा लिया था हमने, तो हमने कहा चलो एरिया विजिट करते हैं। डाउनटाउन एरिया था वो पूरा, हमने विजिट किया था, बहुत प्यारा एरिया था। और यहाँ पे ना वॉक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है जगह बहुत, लेकिन अच्छा ये बूढ़े लोगों के लिए जगह नहीं है। और जो जगह हैं भी सही ना, वहाँ पे हाइकिंग वगैरह है, सो वॉक बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे जो है ना यंग लोग भी जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। सो जिनको मसल्स का प्रॉब्लम है, जिन जो वॉक करने से घबराते हैं, वो बिल्कुल ना आए। बहुत फन था, बहुत मज़ा था। ये ना बिल्कुल ऐसे विलेज टाइप एरिया, इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, ओल्ड ओल्ड जैसे कह लें कि यहाँ पे जो कॉटेज और जो रेस्टोरेंट्स मतलब बने हुए इंडोर, तो वो बड़ा ओल्ड स्टाइल लगते हैं ना, तो बहुत मज़ा आया था हमें देखने का। अच्छा हमने इधर अभी आना है, है? हाँ ये तो हमने उस दिन आना है जिस दिन का। अच्छा वो हम उस वक्त हम उस साइड से आएंगे भी। तो ये ना वीक डे था, फिर भी काफ़ी रश था, लोग अपना वॉक कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सो वेदर बहुत अच्छा था, हल्की हल्की सी ठंडक हो गई थी लेकिन बहुत अच्छा था। और हम ही आए थे आइसक्रीम खाने के लिए। आइसक्रीम के लिए भी हमें थोड़ा वेट करना पड़ा था, 10 मिनट की लाइन थी यहाँ पे। यहाँ पे आइसक्रीम के लिए खड़े और खाना वगैरह खा रहे, वॉक वगैरह कर रहे थे, सामने आइसक्रीम भी नजर आ गई। आइसक्रीम लेके फिर पूरा एरिया अराउंड भी लेंगे साथ साथ, और पूरा जो एरिया है घूमेंगे ये वाला, और आपको भी साथ साथ दिखाएंगे हमारे साथ। तो विकी, मैं और मायरा अंदर आ गए थे, और सानिया वगैरह भी बाहर थे, हमारी बारी आ गई थी। और बड़े मज़े मज़े के यहाँ पे फ्लेवर थे, तो ये सानिया आरिस भी आ गए थे पीछे, और बड़े मज़े के फ्लेवर थे। और मैंने तो स्ट्रॉबेरी ली थी, और विकी ने कोई अपने बचपन की आइसक्रीम खाई थी जो विकी कह रहे टोरंटो से नहीं मिलती, और मायरा ने वही अपना चॉकलेट वनीला। तो हम ले चुके हैं अपनी आइसक्रीम, और मैंने वो वाली आइसक्रीम लिया जो मैं बचपन में लेता था, इसे कहते हैं सुपर हीरो। ये जो है ना अब मिलती ही नहीं है टोरंटो में, अब ये यहाँ पे आके मैंने देखी, इसलिए ये वाली मैंने पाई। और मैं इतनी सरप्राइज से विकी बाहर कह रहे थे मैंने वनीला चॉकलेट लेनी, और यहाँ के कह रहे थे, यहाँ आके बोल रहे सुपर हीरो। मैंने चलो जी, समीर की कमी भी विकी ने खुद ही जो है पूरी कर ली है। और अभी सानिया वगैरह ले रहे हैं आइसक्रीम, आरिफ सानिया अदील अंदर ही है, और हम लेके निकल आए हैं। तो बस आइसक्रीम खाते हैं साथ साथ, वॉक करते हैं साथ साथ, एंजॉय करते हैं। तो आइसक्रीम खाते खाते वॉक के दौरान सानिया को एक स्टोर नजर आ गया था। यहाँ पे सानिया अपने लिए बाय कर रही है हुडी, हमें बड़ी सानिया ने हदायतें की थी, स्वेटर रख लेना, हुडीज रख लेना, शाम में ठंड हो जाएगी। और खुद कुछ भी नहीं लिया, खुद घर भूल आई है, और अब यहाँ से बाय कर रही है। ऐसी जगहों पे चीजें एक्सपेंसिव ही होती हैं ना, ऐसी जगहों पे चीजें एक्सपेंसिव ही होती हैं ना। तो सानिया ने बाय कर लिया, अब सानिया जा रही है अम्ब्रेला। हाँ। अरे की रिंग्स है मेरा खास, सब कुछ होता, मतलब जो घर में कुछ भूला है ना वो यहाँ से ले ले। हाँ। डबल प्राइस में मिलता है लेकिन मिल जाता। यहाँ पे सानिया जो है वो खरीद रही है, क्योंकि हम लोगों ने परसों जाना है पानी वाली जगह पे, और वहाँ पे जी बारिश है, क्योंकि हमने तो 2 महीने पहले कॉटेज बुक किया था, तो बारिश तो अब पता चला है। तो हमने वो कोई कवर से लिए हैं, वो पहनेंगे ताकि हमारे कपड़े ना गीले हों। तो जी रात को घर आकर ना हमने ये इंजॉयमेंट की थी, इसमें भी बहुत फन था। हम यहाँ पे मैशमेलो जो है वो बनाने के लिए आए हैं, और लाइटर काम नहीं कर रहा। माय गॉड इतनी ठंड हो गई है, कितनी सर्दी हो गई है। हाँ वही ना, अरे चल गया। शुक्र है, मैंने कहा पता नहीं इसमें ही ना कोई प्रॉब्लम हो। उई मेरी आवाज से पता चल रहा होगा यहाँ कितनी हवा चल रही, और इतनी ठंड है इस वक्त इधर। अब हम यहाँ आए हैं, और इट्स एक्चुअली वेरी वेरी कोल्ड राइट नाउ। बस ये है और हमारा शराब का टाइम है, सोचा। यस एंड वी जस्ट, इफ यू कैन सी, वी जस्ट स्टार्टेड आवर फायर एंड वी आर सिटिंग वेरी क्लोज टू द फायर बिकॉज़ इट्स रियली, यू नो, इट्स अ लिटिल विंडी आउट हियर। हार्स जस्ट स्टार्टेड द फायर। तो चल गया। अदिया हाउ आर यू फीलिंग ब्रो?
Feeling good? How are you feeling about tonight? Gonna get warm? How are you feeling about tonight, though? Start. How are you feeling about tonight? Oh, I'm a little nervous. Adil nervous hai kyunki humne dono ne bed share karna hai isliye. Ek dusre ko haath pair hi na pade. Itna acha lag raha hai jab main aaye the to itni zyada yahan pe thand lag rahi thi aur awaaz thi. It's starting to feel better now. Hum log bike se aaye the to main abhi half an hour hi lete hain to kehte chalo dil nahi kar raha tha nikalne ko bistar se. Lekin ab iski achhi heat aa gayi hai. Bahir lag raha tha thand bhi zyada hai na to lekin yahan ke aake acha ab lag raha hai. और हमने अब इधर जो है ना हमने हलाल मार्शमेलोज लिए हैं और मतलब अदील तूने हमारा खाना लेट कर दिया ये ब्लू खत्म होगा अच्छा लेकिन आई थिंक इट्स ऑलरेडी डन आई डोंट सी नो यू कैन सी इट ऑन दिस साइड ओवर हियर इट्स राइट देयर ये देखो सानी इधर से ब्लू है लेकिन वाकई केमिकल्स वगैरह होते हैं तो जरा ये असली कलर आ जाए नहीं फाइजर बियर्स भी होते हैं यहां बियर्स आर ब्रो उठे दा हम साइड में भागना है बंद था मतलब मायरा को ऐसे लग रहा है वो याद है कि बेयर आ जाओ साइड पे भागने तो ओए होए होए हवा इतनी ज्यादा है ना ओ ये भी हो जाएगा इट्स स्टार्टिंग टू लाइक कुक रियली गुड फ्रॉम द बॉटम बॉटम राइट या दैट्स व्हाट मैटर्स जस्ट स्टरलाइज इट स्टरलाइज इट्स गेटिंग सॉर्ट ऑफ लाइक द चेंजिंग कलर लाइक अ ग्रे एंड डार्क कलर ऐसे रखना कलर के पास नहीं यू डोंट पुट ऑल द वे द बैक बिकॉज़ देन यू हैव अ हार्ड टाइम पिकिंग इट आउट हां मायरा कैसा लग रहा अच्छा मायरा मायरा इधर देखो ना दिखाओ मायरा अच्छा लग रहा मजे का तो जी बहुत इंजॉय किया खूब खाया पिया खूब घूमा और रात में ये फ़न भी किया बहुत मज़ा आया और अगर आपने भी फ़न किया आपको भी मज़ा आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सारा टूर शेयर करूँगी अल्लाह हाफिज़ बाय बाय